आपको तुरंत दिखाने हैं कंदिल, कंदिल सॉरी दिखाने जा रहे हैं जो बच्चे बनाएंगे। तो हमने ये ऐसे में शीट ले ली है, ये शीट को हमने बॉक्स बोर्ड के ऊपर चिपकाई थी, ये बॉक्स बोर्ड है इसमें भी चिपका दिया है, कुछ अलग सा पैटर्न बन जाए क्योंकि पिछला बच्चे ने पेंट किया था, बहुत मेहनत करना पड़ा था, तो इस तरह से बना दिया है। इसको हमने कटर से कट कर लिया, ये शेप ये निकाला नहीं पूरा ताकि रोशनी आती रहे, और ये शेप हमने कट कर लिया, दो पीस में बनाया है। आप इसको हम इसको क्या करेंगे, चिपका देंगे, ये ऐसे चिपक जाएगा और ये आपका बॉक्स ऐसे करके रेडी हो जाएगा। इस टाइप से देखिए ये बॉक्स आपका रेडी हो जाएगा, ये शेप आपको मिल जाएगा। बॉक्स बना लेना है, ये भी हमने मोटर कट कर लिया है, बच्चे इसको स्ट्रक्चर लगा देंगे, ये हैंडल बन गई। फिर इस टाइप हमने कटिंग कर लिया है, कुछ फ्रोजन कलर और कुछ इसी टाइप के स्टेप्स, इसे भी सीधा आता है उसे कट किया है। और मैंने अभी और आइडिया लगाने के लिए ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर आप देख रहे हैं, इसको आप यहाँ पे स्टिक करेंगे ताकि आपका ये और बड़ा हो जाए, ठीक है। ये फ्लावर हमने दो तीन बना लिए हैं, आपका ये और हाइट बढ़ जाएगी इसकी, और इसके अंदर से आपका एक ये लगेगा, एक ये लगेगा, दो दो लगा सकते हैं, एक ये लगाएंगे जो लंबा छोटा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये, एक ये और एक ये, इस टाइप हमको मुझे पूरा इसको फेविकोल से लगा देना है, ये पूरी स्टिक आपके से बन जाएगी, और ये फ्लावर इसके ऊपर से हरियाणा में स्टिक हो जाएंगे, फ्लावर स्टिक। तो आपके ये तोरण रेडी होगा, ये फूल बनाना सिखा दे रहे हैं आपको। इस फूल के लिए आपको स्क्वायर पेपर लेना पड़ेगा, इसको इस टाइप टर्न करना है आपको, ये टर्न होने के बाद आपको ये टर्न करना है, टर्न करने के बाद इसको इधर बैक करना है, ये देखिए इस टाइप शेप बनेगा आपका, ये इधर आपको बैक कर देना है, इधर बैक करना है, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। फिर इसके बाद आपको ये शेप होने के बाद इसको ये फोल्ड करना है, जब ये फोल्ड कर लेंगे तब इसको हम लोग इधर से कट करेंगे, यहाँ से कले करके ऐसा ले जाना है, और ये भी कट करना है ताकि इसमें होल हो जाए, ये होल होकर मेरा फ्लावर रेडी हो जाएगा। ये देखिए स्टेप दो में रेडी हो गए फ्लावर, ये सारे फ्लावर नीचे लगेंगे, सेम मैचिंग हो जाएंगे तो काफ़ी अच्छे लगेंगे। फिर हम छः फ्लावर बनाएंगे, छः फ्लावर बना के इस फ्लावर पर लगाएंगे, ठीक है। इस्टेप तो रेडी हो जाएगा, यहाँ पे स्टोन पेपर और ये फ्लावर अलग रंग का हम यहाँ पर भी लगाएंगे, ये देखिए ये दूसरे रंग का लगाएंगे, सेम कलर नहीं लगाएंगे, पूरे अपोजिट कलर का हम यहाँ पर भी लगाएंगे ताकि रोशनी आती रहे। इससे बच्चे स्कूल में एग्ज़ाम भी देंगे और घर के लिए तोरण भी बनाएंगे, तो बच्चों को हमें कला आती है। मेरी वीडियो से आप ये सीख सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो के लिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।